प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की किताब आत्मा के स्वर का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन स्थित ऑडिटोरियम में किया है। पुस्तक विमोचन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये पुस्तक उत्तराखंड के राज्यपाल ने अपने अनुभवों और आत्मा से निकलने वाली आवाज के आधार पर लिखी है, जो काफी महत्वपूर्ण है। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि बतौर राज्यपाल 2 साल पूरे होने के बाद इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने आत्मा से जो उनके स्वर निकले, जो आत्मा की आवाज़ निकली और उनके 40 साल का सेना का अनुभव, जो सेना में उन्होंने सेवा करी, पूरे देश के अंदर, देश की सीमाओं पर, विदेशों में भी भारत की सेना के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद पिछले 2 साल से उत्तराखंड के अंदर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वो गए, अनेकों अनेकों कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए, अनेक अनेक अनुभव उनको मिले और उन्होंने उन सभी को एक पुस्तक में पिरोया, उनका संकलन किया। निश्चित रूप से ये संकलन हमारे राज्य के लिए और मेरे लिए भी विशेष रूप से प्रेरणा का काम करेंगे, पाथे का काम करेंगे और उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो केदारनाथ जी की भूमि से कहा था, 21वीं सदी का 3रा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, निश्चित रूप से आपकी पुस्तक उस दिशा में हमको प्रेरित करेगी। ये बहुत सौभाग्य, 2 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के पश्चात भी पुस्तक का आज विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के। इस पुस्तक का नाम आत्मा के स्वर रखा है। 2 साल में तकरीबन 600 से अधिक इवेंट्स को अटेंड करने के पश्चात में वहाँ पर हर एक उत्तराखंडी से जो बात की है उसका निचोड़ है और 108 जो उद्बोधन है उनको इस पुस्तक में पिरोया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक उद्बोधन में जो एक आत्मिक संबंध बना हर एक उत्तराखंडी के साथ में, जो प्रभु ने एक अवसर दिया कि जो मिशन है हमारा, जो एज ए गवर्नर मैंने 5 मिशन बनाए थे और जो प्रभु का आदेश रहा है उसको किस प्रकार मैं हर एक के सामने पहुंचाऊं। और मुझे बहुत खुशी है कि इसके अंदर में जो भी राज्य भवन के अंदर में पहल की है, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर में पहल की है और जो टेक्नोलॉजी की तरफ में कदम बढ़ाए हैं उनके बारे में बहुत बारीकी से लिखा गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में कैंडल मार्च निकाला, जिसके क्रम में देहरादून कांग्रेस मुख्यालय से भी कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अंकिता भंडारी केस में ढिलाई बरत रही है। सरकार को बताना चाहिए कि आखिर वो VIP कौन है। कांग्रेस का कहना है कि पेशी पर आए आरोपियों के हाव भाव देख कर लगता है कि उन्हें जेल में सभी तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। देखिए, अंकिता हत्याकांड के संबंध में जिस तरीके से सरकार द्वारा ढिलाई बरती जा रही है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, कोर्ट में भी पेशी होती है तो आप देखिए उनके आने का ढंग, देखिए बात करने का, किस तरीके से वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं और जेल में भी कितनी सुविधाएं सरकार द्वारा उनको दी जा रही है, उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाल कर अंकिता भंडारी जी की आज बरसी भी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं में बढ़ रहे अत्याचार और दुराचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, ताकि भविष्य में इस तरह के ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो सके, अंकिता भंडारी हत्याकांड का VIP कौन है ये बताने का कष्ट करे सरकार। और दूसरा, उनके उसके जो अपराधी अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इन मांगों को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। BJP ने अंकिता को उसकी बरसी पर श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों को दुर्भाग्यपूर्ण और जनभावनाओं को आहत करने वाला बताया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुद्दा विहीन और विचार विहीन विपक्ष दिवंगत अंकिता भंडारी की मौत पर राजनीति कर रहा है, क्योंकि अब तक की SIT जांच से पीड़ित परिजन और प्रदेश की जनता पूरी तरह संतुष्ट है, साथ ही न्यायालय तक संतुष्टि व्यक्त कर चुका है। देखिए, सरकार का काम हो गया हत्यारों को तत्काल अरेस्टिंग करना और मुझे ये बताते हुए कि जब ये घटनाक्रम हुआ, इससे पूर्व घटनाक्रम होते थे, चीज़ों को उलझाया जाता था, अपराधी गिरफ्त से बाहर रहता था, लेकिन हमारी सरकार ने तत्काल 24 घंटे के अंदर अपराधियों को सजा दी, जेलों की सलाखों के अंदर है और
बॉडी रिकवर की गई। ठीक है, आज न्यायालय में प्रकरण है, हम भी अपेक्षा करते हैं बहुत जल्दी न्यायालय से जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले। दिशा में सरकार भी प्रयासरत है और न्यायालय जो हमने कहा है कि जो भी उनके माता पिता को जो भी आवश्यकता सरकार की ओर से रहेगी तो माननीय मुख्यमंत्री उसको हेल्प कर रहे हैं, सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है। कांग्रेस कमेटी और राज्य आंदोलनकारी संगठन की ओर से अंकिता भंडारी हत्याकांड की पुण्यतिथि पर शहीद स्थल झूलाघर पर अंकिता भंडारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया है और उनके परिजन आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता को अपनी नम आंखों से उनकी एक वर्ष की जो पुण्यतिथि है उस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं दूसरी ओर आज एक साल पूरा हो गया है लेकिन जो कातिल हैं अंकिता के वो आज भी कानून के दायरे से बाहर हैं। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रदेश सरकार आखिर एक साल से क्या कर रही है, उनसे ये सवाल है कि आज तक वो हत्यारे कहाँ छुपे बैठे हैं, क्यों उनका नाम नहीं खोला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पिछले एक साल से लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है, पूछ रही है कि अंकिता के हत्यारों का नाम बताओ, अंकिता के हत्यारों को सजा दो, आखिर अंकिता को कब न्याय मिलेगा। आज सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूं अंकिता को कि उसने उन लोगों का विरोध करा जो इस राज्य की असीमता से खेल रहे हैं और लगातार उसके बाद प्रदेश के अंदर कई और इस तरह के घटनाक्रम हुए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ एक बेटी टीरी की वो अभी तक गुम है। सरकार वर्ष भर बीत जाने के बाद अभी तक उनके कातिलों का, उनके दोषियों का अभी तक पता नहीं कर पाई। बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि सन 1994 के घटनाक्रम के बाद नारे लगते रहे कि शहीदों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। आज 23 साल बाद भी हम उसी मांग को लेकर के आए। दुर्भाग्य है कि इस तरह से इस पहाड़ के युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय सरकार उनकी हत्याएं करा रही है। वर्ष भर होने के आया है, युवाओं ने आंदोलन किया रोजगार के सवाल पर, पलायन के सवाल पर सरकार मौन बैठी हुई है। भाजपा के चुनाव के जो कार्यक्रम के तहत जो है लगातार आंदोलनकारी वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हमेशा समय दिया जा रहा है। क्षतिज आरक्षण का मामला जो यहाँ के बेरोजगार और शिक्षित नौजवानों के लिए सरकार के द्वारा एक व्यवस्था दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के लोकहित के कार्य को फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि 17 अक्टूबर से गांधी जयंती तक मेला पखवाड़ा मनाया जा रहा है जिसके तहत इस प्रदर्शनी का आयोजन आम जन के लिए किया गया है। सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारा प्रधानमंत्री की जन्मदिवस है कि गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम अपने कार्यक्रम को लेते हैं और आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश स्तर पर हुआ है। इसी प्रकार के मोदी जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शनी को लगाएंगे। हमने समाज के अनेकों लोगों को प्रदर्शनी से जोड़ने का काम किया है। हमारे कार्यकर्ता तो रहते ही हैं लेकिन साथ साथ प्रदर्शन इस प्रदर्शनी को देखने के आए हैं, उसके लिए हमने उनको भी निमंत्रित किया है। यहाँ भी अनेकों समय पर अलग अलग प्रकार के समाज के मूर्धन्य लोग प्रदर्शनी का अवलोकन करने आएंगे और साथ साथ संबंध में गोष्ठी में हर स्थान पर लोग करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी मोहर लगा दी है। राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की इस बिल को अब लोकसभा के पटल पर पास होने के लिए रखा जाएगा। करीब 27 वर्षों से लंबित इस बिल के पास होने से उत्तराखंड सहित देश भर में महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर देश सेवा करने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश महिला अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से मातृशक्ति के उत्थान का काम किया है। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। मातृशक्ति के लिए हम मोदी जी का मातृशक्ति की ओर से नमन और वंदन करते हैं उनको कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। आप चाहे 33% आरक्षण उत्तर प्रदेश जब हमारा था तब महिलाओं के लिए पंचायतों में दिया गया, उसके बाद हमारा जो जब उत्तराखंड बना यहाँ पर 50 से भी ऊपर पंचायतों में आरक्षण महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया।
और उसके बाद हमारे अभी धामी सरकार ने सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए दिया, और अभी मोदी जी ने पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के लिए जिस आरक्षण की अभी कैबिनेट ने मोहर लगाई है, हम सभी मातृशक्ति पूरे देश की और हमारे राज्य की सभी मातृशक्ति मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं।